मेरा नाम नंदिनी अग्रवाल है, मैं मुरैना मध्य प्रदेश की वासी हूँ। मेरी AIR 1 आई है CA फाइनल न्यू कोर्स एग्ज़ाम्स में। एंड ये मैंने CA का तब सोचा था, एक्चुअली बचपन से मॉम ने बोला था कि CA बनना है 7th क्लास से। और उसके बाद जब मैं 10th के बाद हमें चूज़ करना होता है सब्जेक्ट्स, तो मैंने ब्राउज़ किया व्हाट इज़ CA, क्या स्कोप है, क्या आगे चल के इसका स्कोप होने वाला है। तो उस टाइम में फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा था और आज भी बहुत ग्रो कर रहा है। एंड 11th में जब कॉमर्स लिया तो फिर सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मतलब आई स्टार्टेड लविंग दिस सब्जेक्ट्स। सो आई थॉट सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, फील्ड अच्छी है CA की, फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो आई थॉट कि हाँ लेट्स डू CA। और लाइक मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही है, मेरे दादाजी ने LLB किया है, पापा टैक्स प्रैक्टिशनर हैं। तो CA फाइनल में टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से कुछ सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल होते हैं। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, मल्टीपल नंबर ऑफ एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाने होते हैं। वहीं थ्योरेटिकल पेपर्स के लिए हमें उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार रीड करना होता है, उसको समझना भी होता है और समझ के उसके वर्ड्स को भी थोड़ा लर्न करना होता है कि किस तरीके से वो लैंग्वेज लिखी जाती है। जैसे अगर मैं लॉ और ऑडिट की बात करूँ तो ऑडिट में तो सब लाइक वी ऑल नो कि ऑडिट का पेपर होता है कम्प्लीटली थ्योरेटिकल होता है एंड काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें समझ भी नहीं आती हैं कभी कभार। तो उसके वर्ड्स को समझ के उसको ग्रास्प करना होता है, उसके हिसाब से हमें कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट करके आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये तो रही थ्योरेटिकल की बात, एंड सेम गोज़ विद लॉ। लॉ फिर भी हमारा टेक्निकल होता है, मज़ा आता है पढ़ने में, बट उसमें भी हमारा जो राइटिंग प्रैक्टिस है, वे ऑफ राइटिंग है, उसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। अगर हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, बिकॉज अब CA फाइनल न्यू कोर्स में इंडियंस भी आए हुए हैं, तो इंडियंस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी स्टडी मैट में क्वेश्चंस दिए होते हैं वो ज़रूर करें, पूरे सारे क्वेश्चंस करें, कोई भी क्वेश्चंस ना छोड़ें स्टडी मैट का। एंड SFM के लिए ICAI ने अब स्टडी मटेरियल बहुत वाइड कर दिया है, तो पूरा स्टडी मटेरियल लगाना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। और आप PM भी लगा सकते हैं SFM का, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें, और पास्ट ईयर पेपर्स, MTPs और जो भी कंपाइलर्स वगैरह आते हैं टीचर्स के, वो भी रेफ़र कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। बट सजेशन यही है कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मैच करके उसके हिसाब से कीजिए, जिससे आप कोई भी सोल्यूशन जो है गलत आप ना देख लें, कुछ भी गलत ना पढ़ लें। और अगर मैं सेकेंड ग्रुप पे जाऊँ, सेकेंड ग्रुप में हमारा पहला पेपर होता है स्ट्रेटेजिक SCMP का, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो कॉस्ट काफ़ी लोग समझते हैं कॉस्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, थ्योरेटिकल हो गया है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। कॉस्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड एक्चुअली काफ़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप चाहो तो कॉस्ट सेल्फ भी कर सकते हो, रीज़न बीइंग कॉस्ट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। अगर आप सोचोगे दैट यू आर अ CEO ऑफ अ कंपनी और यू आर अ CFO ऑफ अ कंपनी, देन यू विल थिंक इट द राइट वे, आप राइट सजेशन बनाओगे। कॉस्ट इज ऑल अबाउट इवैल्यूएटिंग डिफरेंट ऑप्शन, तो आप अलग अलग ऑप्शंस को सॉल्व कर सकते हैं, उससे आपको निकालना होता है कि किससे कितने कॉस्ट है, कितने बेनिफिट्स है। तो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड आज मतलब इन टुडेज वर्ल्ड SCMP बहुत अच्छा सब्जेक्ट बनाया इंस्टीट्यूट ने, बिकॉज ये एक बिजनेस को कैसे चलाना है ये वो सिखाता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हो, अब जो स्टडी मैट है उसमें आप एक एक्चुअली स्ट्रैटेजी भी बना रहे होते हो कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है। स्टडी मैट के सोल्यूशन में भी एक पर्सपेक्टिव ये दिया होता है कि इन द लॉन्ग रन क्या करना चाहिए कंपनी को। तो कॉस्ट को प्रॉपर प्रैक्टिकली तरीके से पढ़िए और जो थ्योरी है उसको साथ साथ करते जाइए प्रैक्टिकल के, बिकॉज थ्योरी भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, पर हाँ थ्योरी है तो हमें उसको समझ के थोड़ा उसको याद भी करना पड़ता है, बट विद प्रैक्टिस ये हम कर सकते हैं। बाकी कुछ टीचर्स की रिविजन वीडियोज़ वगैरह होती हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं, तो आप वो रेफ़र कर सकते हो। बाकी सेकेंड ग्रुप में हमारा सेकेंड पेपर जो होता है वो इलेक्टिव होता है। इलेक्टिव में आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं पूरी सिंस ओपन बुक है, तो हमें याद करने की या फिर ध्यान में रखने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, पर जो भी सब्जेक्ट है उसको समझ लीजिए अच्छे से। जैसे मेरा इलेक्टिव लॉ था, तो व्हाट आई डिड वाज 6 लॉज होते हैं, 3 मैंने अच्छे से, 3 मुझे आते थे बिकॉज लॉ में थे मेरे, और 3 मैंने पढ़ लिया था। इस तरीके से पढ़ा था कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुझे ढूंढ पाऊँ कि वो चीज़ कहाँ दी हुई है। तो दैट्स व्हाट वी शुड डू इन द ओपन सब्जेक्ट एग्ज़ाम। आप पूरा तो याद कर भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, पर आप
इस तरीके से बुक को कीजिए कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ कहाँ दी हैं, और जब क्वेश्चन और जब क्वेश्चन पेपर में आप वो क्वेश्चन देखें तो आप उसे कनेक्ट कर पाए। बिकॉज 4 घंटे का पेपर होता है, बट उसमें भी टाइम कम पड़ जाता है, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं सब कुछ बुक में से मिल जाएगा, बट एक्चुअली उसमें भी एनालिसिस करना होता है। तो ऑलवेज आई वुड से टेक होल्ड ऑफ द सब्जेक्ट, यू शुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि वो सब्जेक्ट क्या है। सो डोंट थिंक लाइक कि ओपन बुक है तो सिर्फ बुक देख के हो जाएगा, बिकॉज ऐसा होता नहीं है। बाकी अगर हम थर्ड पेपर की बात करें ग्रुप टू का, तो DT का पेपर होता है। तो DT का पेपर, DT इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, टैक्सेशन है। तो DT के लिए आपने मतलब जो भी क्लासेस ली होंगी, आपने डिसाइड कर लिया होगा कि कौन कौन से किस टीचर की क्लास लेनी है, तो उन टीचर की क्लासेस ले लीजिए, उनको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद DT में बात आती है कि पढ़ना कैसे है, बिकॉज ICA का स्टडी मैट भी बड़ा है और DT बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले डिसाइड कीजिए, मेरा सजेशन ये है कि आपने जिस टीचर से ली है उस टीचर पे आपको मतलब एक ग्रिप बन जाती है, तो आप उनकी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। बट स्टडी मैट से मैच जरूर कर लीजिए कि टीचर्स की जो बुक है और जो स्टडी मटेरियल में लिमिट्स अमाउंट्स दिए हुए हैं वो मैच कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू शुड डू। एंड DT में बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ABC एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि आप सारे चैप्टर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, मतलब जो पूरा हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है 30 मार्क्स का, जो कि हम इजीली उसको होल्ड ले सकते हैं, तो पहले वो कर लीजिए। बाकी मैट, EMT, AOP वगैरह की जो चैप्टर्स हैं, PGPP है, वो कर लीजिए। तो एक ABC एनालिसिस कर लीजिए, बिकॉज DT का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो जो हमारा 70% क्वेश्चंस आते हैं, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट का हमेशा क्वेश्चन आता है, तो उसको प्रिपेयर कर लीजिए। फिर जो आपकी बची हुई चीज़ें हैं, फिर आप उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे ही अगर मैं IGT की बात करूँ, तो IGT का कोर्स अभी तो मतलब इतना बड़ा तो नहीं है कि आप कैप्चर ना कर पाओ, बिकॉज अभी IGT GST नया है, उतने केस लॉज अभी नहीं आ पाए हैं, आ रहे हैं बट अभी इतने नहीं हैं। IGT में आई वुड सजेस्ट कि आप स्टडी मटेरियल्स भी पढ़ें, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल बनाया है ICA ने, काफ़ी एक्सप्लेनेटरी वे में है। जिस भी टीचर की आप क्लासेस ले रहे हैं, गुड क्लासेस मैंने भी ली थी, उनकी ले लीजिए, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग उसी से आती है। पर जब आप सेल्फ रीडिंग कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टडी मैट रेफर कीजिए, बिकॉज पढ़ते पढ़ते एक लैंग्वेज भी दिमाग में बैठ जाती है कि ऐसे लिखना है। एंड जब आप इंस्टीट्यूट वाली लैंग्वेज लिख के आते हो, तो एक थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ईजिली मार्क्स ग्रैप होते हैं। तो एक आप ये कर सकते हैं। बाकी दिस वॉज ऑल अबाउट कि क्या क्या स्टडी मटेरियल रेफ़र करना है 8 सब्जेक्ट्स के बारे में। बाकी अगर आप स्टडी स्ट्रैटेजी की बात करें, तो पूरी प्रिपरेशन से स्टार्ट करने से पहले एक प्लानिंग कर लीजिए, कौन सी सब्जेक्ट किस ऑर्डर में लेनी है। जैसे यूजली लोग पहले SFM लेते हैं, फिर कॉस्ट लेते हैं, फिर FR लेते हैं, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से आप ले लीजिए। DT IDT डेफिनेटली आप लास्ट में लोगे, बिकॉज टैक्सेशन है, चेंजेस आते रहते हैं। सबसे पहले आप FR SFM ले सकते हैं। लॉ भी आप एंड में लीजिए, लॉ और ऑडिट, बिकॉज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, दिमाग से निकल जाते हैं। तो शुरू से प्लान कर लीजिए कि कैसे लेना है, किससे क्लासेस लेनी है, कौन सा सेल्फ करना है। और जो 4-5 महीने की लीव्स है, उसमें आप रिविजन कीजिए, अच्छे से रिविजन कीजिए। अब बात आती है कि रिविजन कैसे करें। आपने सब कुछ पढ़ लिया है, अब रिवीजन के लिए क्या करना है, जो आपने पढ़ा हुआ है आपको स्टडी मैट से रिवीजन करना है, एक्सेप्ट कुछ सब्जेक्ट्स जो आपको ऐसा लगता है कि स्टडी मैट से हमारा होल्ड नहीं है, उसको आप किसी टीचर की जो भी रेफरेंस बुक्स आपने रेफ़र कर रखी है वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। फर्स्ट रिवीजन हमेशा डीप डाउन रिवीजन कीजिए कि सब कुछ याद आ जाए अच्छे से। सेकेंड रिवीजन से पहले और फर्स्ट रिवीजन के बाद एक MTP या RTP लगा लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है वेयर वी आर स्टैंडिंग, हमारे क्या पोजीशन है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड इट रियली हेल्प्स अस टू इवैल्यूएट आवरसेल्व्स। तो फर्स्ट रिवीजन के बाद और सेकंड रिवीजन से पहले एक टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लीजिए। फिर सेकंड रिवीजन जब स्टार्ट होता है, तो उसमें आपको फर्स्ट रिवीजन से काफ़ी कम टाइम लगेगा। ऐसे ही धीरे करके आपके पास टाइम है तो थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, और आप खुद देखेंगे आपका टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिवीजन में प्रोसीड करना है। रिवीजन के लिए आपको डे प्लानर बनाना है कि इस दिन मुझे इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर करने हैं। तो आपका स्टडी प्लान होना चाहिए चैप्टर्स के टारगेट के हिसाब से, ना कि मुझे 3 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसे टाइम टेबल मत बनाइए। आप टाइम टेबल बनाइए कि मुझे एक दिन में ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है, ये चैप्टर करना है। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आई वुड सजेस्ट अच्छी नींद लीजिए। पहले अगर 14 घंटे पढ़ते थे, तो 12 घंटे 10 घंटे कर लीजिए, क्योंकि अब आप रेडी हैं। पर एग्ज़ाम से पहले 1 महीने बहुत अच्छी नींद लीजिए, एग्ज़ाम में भी पूरी नींद लेके जाइए, बिकॉज
इट रियली हेल्प्स, दिमाग बहुत अच्छा चलता है। मेरे एग्जाम्स थे, मैं भी 8-8 घंटे सो के जाती थी जब मेरे एग्जाम थे। मैंने कभी भी एग्जाम से पहले 12-14 घंटे पढ़ाई नहीं की है, बिकॉज उससे माइंड का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है। सो दैट इज़ वन ऑफ माई सजेशन। ओवरऑल ड्यूरिंग प्रिपरेशन फोकस्ड रहिए, प्रोएक्टिव रहिए, डिसिप्लिन रहिए, कमिटेड रहिए, एंड डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, कोई फ्रेंड से बात करना हो सकता है। अपना जो सर्कल है, एक आपका स्टडी सर्कल आप बना सकते हैं। मैं और मेरा भाई साथ में पढ़ते थे तो हमारे पास एडवांटेज था, हमें ऐसे कुछ स्टडी ग्रुप्स में जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे, पीयर्स होंगे जो आपकी तरह एकदम कीन होंगे, उनको पढ़ने का काफ़ी पढ़ने में अच्छे होंगे। ऐसे लोगों के साथ सर्कल बनाइए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए कि कहाँ पे हैं, क्या हो गया और क्या चल रहा है, वो कौन सी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आप कौन सी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आपस में एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछिए, एक दूसरे के आई वुड से जो पेपर्स आप लगा रहे हैं वो इवैल्यूएट कीजिए, एक दूसरे को सजेशन दीजिए। तो एक पीयर फ्रेंड होना काफ़ी हेल्प करता है। सिंस मैं और मेरा भाई थे, आपका भी कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको लगता है कि हाँ इसके साथ मैं पढ़ सकता हूँ, तो उनके साथ बातें कीजिए। इट इज़ वन ऑफ द थिंग जो होना चाहिए। एंड बीच बीच में सीनियर्स से बात कर लीजिए, उन्होंने क्या किया था, उनसे गाइडेंस ले लीजिए। कभी डीमोरलाइज फील हो रहा है तो ऐसे लोगों से बात कर लीजिए जो आपको काफ़ी मोटिवेटिंग लगते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। सो दिस इज़ ऑल माई सजेशंस। या आई थिंक आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई सेशन। थैंक यू।